श्रीमान प्रधानमंत्री जी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, समस्त मीडिया से, समस्त बड़े नेताओं से व अधिकारियों से, हमारी हालत बहुत ख़राब है। मैं एक सीधा साधा आदमी था और मैं नगीने का काम करता था। मेरे पास कम से कम 15-20 लोग काम करते थे। हमारा सारा गुजारा फर्स्ट क्लास चल रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया। कुछ लोग आए द्वारका प्रसाद व जसराज योगी, इन्होंने आकर के मुझे कहा, घनश्याम जी अपन ऐसा करते हैं, 20 आदमियों का समूह बना करके लोटरी सिस्टम चलाते हैं, उससे अच्छा खासी आमदनी होगी। मैंने कहा, भाई साहब मैं सीधा साधा आदमी हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप खुद ही चला लो लोटरी, मुझे क्यों परेशान करते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास मजदूर लोग हैं ज़्यादा, तो अपन सारे मिल करके ये काम करेंगे, इससे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और इस लालच में मैं भी आ गया था, तो हम तीनों ने मिल करके ये काम किया। दो और अन्य लोग थे जिनका मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं उनका नाम बताऊंगा तो वो लोग अभी मुझे जान से मार डालेंगे अगर इस ट्यूट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने एक कागज़ भी लिखवाया पड़ोसी द्वारा, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई बेईमानी कोई ऐसा काम नहीं किया, एक गलत काम है तो इसकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सारा पैसा मेरे पास नहीं है। इन लोगों ने मेरे द्वारा इन सब लोगों को मैंने जोड़ा ना, जिन लोगों के पास से पैसा लेकर के ये लोग चले गए, मुझे पैसा देते नहीं हैं। कम से कम 25 करोड़ रुपए ले गए, 75 लाख रुपए तो जसराज योगी अकेला मेरे पास से लेकर चला गया, और द्वारका प्रसाद ये लोग ये 50 लाख के आसपास ये लोग लेके चले गए। अब ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे घर में कैद रह के रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ बहुत। और साहब मैं न्याय चाहता हूँ, अगर मैं इसमें मेरी जो भी सजा बनती है मुझे आराम से दो, मुझे कोई आफत नहीं है, मेरे घर की एक एक कील भेज दो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ साहब, मैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पुलिस में केस करूँ या कोर्ट में केस करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। मेरे पास है जो ले लो, मैं मेहनत मजदूरी करके कमा के खा लूँगा, लेकिन ये सारे लोग ये सब सारा पैसा ये लोग ले गए, मैं कहाँ से दूँ। मेरे पास सब लोग रोज़ मुझे परेशान करते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं, मैं क्या करूँ साहब। अगर आप सब लोगों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं 5 दिन का समय देता हूँ, 5 दिन के अंदर सारे परिवार वाले हैं ना जो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे हम सब, बस यही चाहते हैं। हम गलत हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार, लेकिन क्या करें, इस जिल्लत की ज़िंदगी से तो अच्छा है हम मर जाएं। अब पुलिस में किसी में भी जाते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता है साहब, ऐसे कहते हैं तूने लाटरी चलाई थी। भाई मेरे पास सारा पूरा भी लाटरी, मुझे लिखना पढ़ना ही नहीं आता, सारा काम द्वारका प्रसाद यही करते थे, मुझे तो केवल आदमी जोड़ने के लिए बोलते थे, जो मैं सीधा साधा आदमी था, मेरी अच्छी इज्जत थी सब समाज में, सब में मैंने सारा लाला के जोड़ दिया साहब। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, या तो मेरी जान ले लो या मैं अपनी जान ले लूँगा या मुझे इंसाफ दे दो बस साहब। मैं तो इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ बोलना नहीं आता है साहब, बस।